आशा करती हूँ दुआ करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे आज का दिन बहुत अच्छा है आई होप आपका दिन भी बहुत अच्छा जा रहा होगा और मैं आज का ना कुछ ज्यादा ही खुश हूँ करीना कपूर का कि आज मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती <laughs> तो आज मेरे साथ वही हो रहा है कि मैं कोई बात बुरी लग रही हर चीज पे एक्साइटमेंट है वो खुशी है बस दो दिन रहते हैं और दो दिन बाद फाइनली वो डे होगा जिसको मुझे सालों से इंतजार था और अब तो मैं कम से कम कितना दो तीन महीने से वेट कर रही थी अब आया उड़े अब आया उड़े और फाइनली वो डे आ रहा है और आज बस सारी तैयारियां चलेंगी साइड बाय साइड आप देखने वाले हो मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूं क्या क्या चीजें कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें है जिन्हें देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है सो स्टेर तो कल सारी शॉपिंग करने के बाद आया के लगाया फिर उसके बाद मेरा बर्तन करने का बिल्कुल मन नहीं करा मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइजेस को चेंज करी थी थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइजेस इंक्लूड करी थी जिसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द था और बस ये मुझसे गलती हो गई कि मुझे पता नहीं था कि हमारा पूरा दिन ऐसे बाहर जाने वाला है हम लोग खड़े रहने वाले हैं और उसी दिन ही मैंने वो वाले एक्सरसाइजेज अपनी इंक्लूड कर लिए अब कर लिया तो ऐसा होता है ना कि एक दिन इतना पेन हो गया है तो अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं कम से कम वन वीक तक करूंगी क्योंकि वन वीक के बाद में मुझे पेन नहीं होता उन एक्सरसाइजेज में तो वो आराम से मेरी बॉडी ले लेती है तो इस वजह से आज भी करनी जरूरी है आज छुट्टी है सैटरडे है बच्चों की छुट्टी है और तो, ये राहुल सुबह सुभा सुबह ही चले गए थे राहुल कल और जाएंगे फिर उसके बाद वो भी दो तीन दिन की छुट्टी लेने वाले हैं मेरी हेल्प करने वाले हैं और आप लोगों को सब पता चलेगा धीरे <laughs> धीरे रुके रहिए बढ़ते खुलेंगी और जैसे लास्ट की जो होगी खुलेगी वो परत और आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा सब समझ में आ जाएगा अच्छा ये इसलिए वो अच्छा वो इसलिए वो आप ये सारी करियर जोड़ लोगे आपको सब समझ में आ जाएगा इसलिए ये सारे जो व्लॉग्स अब आने वाले हैं सारे देखने बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि बहुत मजेदार होने वाले हैं यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है दाल में चौक लगाने की कौन सी दाल बना रही हूँ वही आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट मिक्स दाल हाँ गुजरू में ना ये दाल बहुत बनी है या मेरे पा मैं तो हर शाम को हमारे यहाँ पे डिनर में यही दाल बनती थी इस वजह से तब भी मुझे अच्छी लगती थी आज भी मुझे इतनी ही अच्छी लगती है अब इसके अंदर मैं घी ऐड करके इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा दूँगी और फिर और अच्छी लगेगी और इसके साथ करारी करारी रोटी हो तो मज़ा ही अलग हो जाता है तो जो लोग नए हैं उन्हें बता दूँ जो लोग पुराने हो तो जानते होंगे मेरे इस पूरी वॉल पे स्टिकर लगा हुआ था पहले रोजेस वाले तो वो स्टिकर्स ना हमेशा हटा करते थे ठीक से पेस्ट नहीं होते थे तो अब क्या मैंने सोचा शायद डस्ट लगा रह जाता होगा वॉल पर जिसकी वजह से स्टिकर्स अच्छे से स्टिक नहीं होते थे तो अब की बाद मैंने क्या करा है कि कपड़ा पूरे वॉल पर अच्छे से मार के ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट ना रहे कोई डर्ट ना रहे और ये अच्छे से जो स्टिकर्स है वॉल स्टिकर्स है वो अच्छे से स्टिक हो पाए तो आप अब की बाद मैंने ऐसा करा है ऑनेस्टली बट रिज़ल्ट अभी भी वैसे ही आया है कि वो अभी भी हल्के हल्के से हट जाते हैं और मुझे अभी भी अच्छे से स्टिक करना पड़ता है लाइक एवरी डे मुझे एक बार हाथ फेरना पड़ता है मुझे ये नहीं पता था कि ये स्टिकर्स के साथ प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता था तो शायद मेरे लगाने में गलती हुई है लेकिन यहाँ पे ये स्टिकर्स में गलती निकली बट स्टिल ये स्टिकर्स बहुत अच्छे लग रहे थे तो यहाँ पे मैंने स्टिकर्स लगाए बहुत अलग तरीके से है लेकिन आप जब नेक्स्ट डे व्लॉग देखोगे तो बहुत अलग लगेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे डिज़ाइन समझ नहीं आया था क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट uh, पैटर्न क्या होता है कि आप अपने दिमाग से कुछ भी कर सकते हो कहीं पर कोई भी चीज़ लगा सकते हो तो यहाँ पे मैंने जैसे इसके अंदर पोस्टर में दिया हुआ था मैंने वैसे लगा दिया लेकिन मुझे ना वो ऐसी सैटिस्फेक्शन नहीं मिली फिर उसके बाद मैंने वापस से कुछ कुछ चीजें हटा के यहां वहां लगाई जो कि आपको नेक्स्ट डे अच्छे से समझ में आएगी नजर आएगी अरे पापा आ गए हैं अब तो कहीं घूम ही आओ अच्छा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं उसके बाद ना वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि शाम की वजह से बिजी हो गई थी तो ये ऐसे लग रहा है ऐसे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट की तरह ये चीजें अच्छी लग रही है ये है मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे बिल्कुल पास से ऐसा लग रहा है जिसमें पेंट है कहीं से कोई स्टिकर का मार्क नहीं कोई बॉर्डर्स नहीं कुछ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं आपको टच करके दिखा देती हूँ देखो बहुत अच्छे स्टिकर्स है अभी इतना रोई है ये इतना रोई है फाइनली इसको ये बोला है चल बाहर चल तो शूज ढूंढने के लिए इस बड़े हो दो। इसको बस शूज चाहिए अब चुप हो जाओ थोड़े सांस ले नॉर्मल हो जाओ स्टैंड 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 तो हो आगे चुप हो आगे पूपू पूपू देखना चेक करना क्या आप भी जाओगे पापा के साथ नहीं तो शानू भी स्टे कर ये नहीं जाएगी मेरे साथ हाँ ये बोल रहे जा रहे सामान लेने के लिए। नहीं आओ जाना। आओ जाना जा। किया ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई? शानू हमारे पास रुक जाओ आप। अरे दीदी ने बाय कर दी ना कि जाओ आप चले जाओ। बाय शानू बाय। प्लीज़ रुक जाओ हमारे पास। क्यों? अच्छा अच्छा आप निशाना बाय बाय शानू बाय बाय सीरियसली मम्मा को छोड़ के भाग गई है बाय नहीं मम्मा नहीं आएंगी बाय 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 पता था यही होएगा तू जानबूझ कर रही थी hey, बोलो तू जो आईज इज सेड ओके कर ले

किया की और शान की तो इस तरीके के एक के अंदर एक रख के ताकि मेरे अच्छे से ज्यादा स्पेस ना ले ये चीजें और अच्छे से आ जाए क्यों क्योंकि ऑब्वियसली स्पेस ज्यादा तो ज्यादा बैग भी नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि और भी चीजें हैं जो आपको विद टाइम पता चलेंगी कि हाँ हम लगेज के अलावा और भी चीजें पैक कर रहे हैं लाइक सिर्फ कपड़ों के अलावा <laughs> लगेज तो ऑब्वियसली सब चीजें में आ गया लेकिन सिर्फ कपड़ों के अलावा और भी चीजें हैं जो हमें पैक करनी है इसलिए मुझे ये देखना है कि कपड़े और ये सब चीजें कम से कम स्पेस में आए उठते ही ये ड्रेस पहन लेती है अच्छी लगती है अब रही थी राउंड 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 चीजें देखती और पता है क्या है कि जब थोड़ी बहुत टेंशन होती है ना थोड़ी बहुत अब तुम्हें को बहुत टेंशन है बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है तो मेरे दिमाग में ना चौबीस घंटे खाना 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 अभी भी बाहर निकलने के बाद देख रहे कुछ खा लू कुछ खा लू मैंने यार बोला बस कर यार अब खाना छोड़ काम पे ध्यान दे खाना तो होता रहेगा पता नहीं कहते हैं ना कि जब ज्यादा हम लोग घबरा जाते हैं ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मेरे साथ ना वही चीज हो रही है मुझे लग रहा है मेरा दिमाग काम करना बंद कर और आज से सिर्फ दो दिन रहते हैं और मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ बस पूछो मत हर चीज कि पता है क्या पूरा दिन ना एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि बच्चों में बिजी हो जाती हूँ क्या कि स्कूल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही हूँ अब बच्चे सो गए हैं अब मैं बाहर आई हूँ और तब मैं पैकिंग कर पा रही हूँ मैंने बताया ना बीच का एक दिन तो बस जो पुराना खजाना था उसको ढूंढने में और उसको चेरिश करने में टाइम निकल गया था वो टाइम मैंने फालतू में वेस्ट कर दिया अब उसी चीज़ का गुस्सा आ रहा है और अब ऐसा हो रहा है कि क्यों क्योंकि जब बच्चे मुझे पैकिंग नहीं करने देते और कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए कभी शान का पड़ती हो गया तो so, इस वजह से पूरा दिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था लेकिन अब मैंने ऑब्वियसली uh, यार बिल्कुल टाइम नहीं रह गया सिर्फ दो दिन रह गए तो मुझे बहुत सीरियस हो के काम की तरह पैकिंग करनी पड़ेगी मुझे ना तीन बैग्स पैक करने हैं तो जिसकी वजह से अभी तीनों की सिर्फ मैंने लिस्ट बनाई है कपड़े निकाल दिए हैं लेकिन पैक करना है और राइट वे से ऑर्गेनाइज वे से पैक करने की इतनी ज़्यादा टेंशन है ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ किसी की कोई दूसरे बैग में ना रह जाए ये ना हो पूरा बैग खोलना पड़ जाए तो इस वजह से बहुत तरीके से करना पड़ रहा है मैं लिस्ट बना रही हूँ और हर दिन की एक एक चीज़ रख रही हूँ ताकि किसी भी रीज़न से दूसरा बैग ना खुले दूसरा बैग तभी खुले जब उसकी ज़रूरत है तो इन सब की वजह से और ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे अगर वो नॉर्मल वाली पैकिंग होती ना कि ठीक है यार हफ्ते दस दिन वाली बात है तो जल्दी हो जाती है लेकिन यहाँ पे वो हफ्ते दस दिन वाली बात है नहीं इस वजह से बहुत टाइम लग रहा है और आज भी ऐसा हुआ कि आज तो मेरा खाना भी नहीं बना पता है और जब पूरा दिन निकल जाता है ना तो मैं फिर बैठ के सोचती हूँ कि आज मेरा डे गया कहाँ मैंने किया क्या और बस पता नहीं कहाँ जा रहा है और लेकिन कल के लिए मुझे बहुत सारे काम है क्योंकि कल लास्ट डे है उसके बाद मैं कुछ और नहीं कर सकती उसके बाद या तो एक डेट कर सकते हैं कि ओ ये कर लेते वो कर लेते अपने आपको मैं यही बोल के बार बार कन्वेंस करूँ कि देख ले फिर सोचता है यार मैं ये करती वो करती ये करती वो करती बेटर है ये टाइम है अभी कर ले जो करना है तो मैं यही बोल के अपने आप को समझाई क्योंकि ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे समझ समझा के रजाई से बाहर निकाल के लेके आई हूँ मैंने कहा अब टाइम नहीं है अब चुपचाप काम में लग जाओ और कर ले तो मैं आज करने वाली हूँ पैकिंग और कल के लिए तो मेरे पूरे अलग ही प्लान्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा और वो भी बहुत प्यारा व्लॉग होने वाला है और मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और ये सरप्राइज ना आप ही बोलोगे यार दिल जीत लिया आई होप आपको ये ब्लॉग्स और ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ किसी और को भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव कल फिर मिलते हैं अपनों अपनों का ध्यान रखना बाय बाय